किसी ने क्या खूब कहा है, भूतकाल से सीखते हुए वर्तमान में जिए और भविष्य की आशा करना ही शिक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अपने वर्तमान का निर्माण करने से आपका भविष्य अपने आप बन जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है वर्तमान का निर्माण। एक निर्धन विद्वान व्यक्ति चलते चलते पड़ोसी राज्य में पहुंचा। संयोग से उस दिन वहां हस्त प्रतिबंधन समारोह था, जिसमें एक हाथी के सूंड में माला लेकर नगर में घुमाया जाता था। वह जिसके गले में माला डाल देता था उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा बना दिया जाता था। वह व्यक्ति भी समारोह देखने लगा। हाथी ने उसके ही गले में माला डाल दी। सभी ने जय जयकार करते हुए उसे 5 वर्ष के लिए वहां का राजा घोषित कर दिया। राजपुरोहित ने उसका राजतिलक किया और वहां के नियम बताते हुए वहां के आपको केवल 5 वर्ष के लिए राजा बनाया जा रहा है। 5 वर्ष पूर्ण होते ही आपको मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नदी में छोड़ दिया जाएगा। यदि आप में ताकत होगी तो आप उनका मुकाबला करके नदी के पार वाले गांव में पहुंच सकते हैं। आपको वापस इस नगर में आने की नहीं दिया जाएगा। वह निर्धन विद्वान व्यक्ति तो सिहर गया, पर उसने सोचा कि अभी तो 5 वर्ष का समय है, कोई उपाय तो निकल ही जाएगा। उसने 5 वर्ष तक विद्वतापूर्ण राज्य किया, राज्य की संचालन प्रक्रिया को पूरे मनोयोग से निभाया और इस प्रक्रिया प्रकार केवल राज्य पर ही नहीं लोगों के दिलों पर भी राज करने लगा। जनता ने ऐसा प्रजावत्सल राजा कभी नहीं देखा था। 5 वर्ष पूर्ण हुए, नियमानुसार राजा को फिर से हाथी पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नदी के तट पर पहुंचकर राजा हाथी से उतरा। राजपुरोहित ने कहा कि अब आप नदी पार करके दूसरी ओर जा सकते हैं। अश्वपूरित विदाई समारोह के बीच उसने कहा कि मैं इस राज्य के नियमों का सम्मान करता हूं, अब आप मुझे आज्ञा दें। जैसे ही राजा ने नदी की ओर कदम बढ़ाए, लोगों ने अपनी सजल आंखों को ऊपर उठाया। जानते हो वहां ऐसा क्या था जिसे देखकर वे लोग खुशी से नाचने लगे? नदी पर इस पार से उस पार तक राजा के द्वारा बनवाया गया एक पुल था, जिस पर राजा शांत भाव से चला जा रहा था, नदी के उस पार वाले सुंदर से गांव की ओर। दोस्तों, क्या ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी घटित नहीं हो रहा है? हम भी तो एक निश्चित समय के लिए श्वासों की अनमोल पूंजी देकर इस अमूल्य जीवन की बागडोर सौंपी गई है। समय पूरा होते ही हमें यह राज्य छोड़कर भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना है, जहां से हमें फिर से इस राज्य में आने की आज्ञा नहीं। यदि हमने भी धर्म और अच्छे कर्म का पुल नहीं बनाया तो हमें भी मगरमच्छों व घड़ियालों से युक्त नरकों में डाल दिया जाएगा और हम उनका आहार बन जाएंगे। और अगर हम शांत भाव से भवसागर के उस पार वाले लोक में जाना चाहते हैं तो अभी से वह पुल बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए, क्योंकि आयुकाल का पूरा होने के बाद तो जाना निश्चित ही है। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन बहुत छोटा है। यह जो सांसें मिली हैं, यह भगवान ने हमें दिया है। इन सांसों के चलते रहते रहते आपको अच्छे कर्म करते रहना है, अपने वर्तमान में भविष्य का निर्माण करते रहना है। अच्छे कर्म करते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहेंगे कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।